हेलो एवरीवन, मैं आपको आज कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बता रही हूँ। वन लाइनर। संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर किसमें स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 22 भाषाएं। संविधान के 44वें संशोधन में किस मौलिक अधिकार को वापस लिया गया? संपत्ति के अधिकार को। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग या बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की नियुक्ति की गई? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना कब पारित हुई? 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को। थैंक यू।